Hello everyone, welcome to Super Education City. Today in Super Education City, I will teach you English grammar and it's for class 5th and its book name is, English grammar book name is, which I'm teaching you now, is Oxford Learner's Grammar and Composition. So as you all know that it's by me, Niharika. So let's get started. Today I will teach you chapter 1 of English grammar, that's name is the sentence and it is part 1, and in part 1 I will complete all the explanation of this, and in part 2 I will teach you all the exercises. So let's get started with our first point, that all the sentences are made up of two parts. Sare sentences jo bhi hote hain ve do parts se bante hain. Do parts ve kaun kaun se hote hain? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन दो पार्ट से कोई भी सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है इनके बारे में जानते हैं. जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करता है या करता है, डॉयर होता है वो एक्शन का, एक्शन को करता है सब्जेक्ट या एक्शन में उसकी बात की जाती है, यही होता है सब्जेक्ट. ज़्यादातर सब्जेक्ट एक्शन को करता है और जो सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट की ही बात की जाती है कि सब्जेक्ट ऐसा है, सब्जेक्ट ने वो करा. प्रेडिकेट की बात नहीं की जाती, तो सब्जेक्ट डॉयर है एक्शन का, सब्जेक्ट एक्शन को करता है या उसकी बात की जाती है. जैसे द फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से कौन कूदा, हु जंप्ड ओवर द फेंस, द फॉक्स. सो इसमें आपका ये जो द फॉक्स है ये आपका सब्जेक्ट है. और द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट क्या है, ताजमहल है ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. तो ये दोनों आपका क्या हो गए सब्जेक्ट के. पहले वाले सेंटेंस में जो फॉक्स है उसने कुछ करा तो वो सब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस में हम ताजमहल की खूबी बता रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट है. तो ये दोनों क्या हो गए सब्जेक्ट. ओके, अब प्रेडिकेट डिस्क्रिप्शन बताता है हमें सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे आप सेकंड सेंटेंस को लीजिए, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है. ताजमहल क्या है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. तो ये जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, एक अच्छा सुंदर जगह है, ये हमें ताजमहल के बारे में बता रही है, तो ये प्रेडिकेट हो गई. पहले सेंटेंस अब मैं देखिए, द फॉक्स जंप ओवर द फेंस, अब इसमें हमें फॉक्स के बारे में नहीं बताया है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि फॉक्स ने, सब्जेक्ट ने क्या करा, तो फॉक्स फेंस के ऊपर से कूदी, तो इस वजह से ओवर द फेंस भी आपका एक प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट. ओके, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कुछ, या आपको बताया जाए कि सब्जेक्ट ने क्या करा, वो चीज़ आपकी प्रेडिकेट कहलाती है, जो चीज़ आपको ये बता रही है. और जिसने वो काम करा है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है. आगे बढ़ते हैं, अब हम ये सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, टू फाइंड सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट कैसे मिलेगा. वैसे एक सिंपल बात है, जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही आता है, स्टार्टिंग में ही आता है सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट है वो वर्ब. आप वर्ब तो जानते ही हैं, जैसे इज आर एम, अटेंड अटेंडेड अटेंड, डिस्पैच डिस्पैच्ड, आप ये सब वर्ब्स तो जानते ही हैं. जो प्रेडिकेट होता है वो हमेशा वर्ब के बाद में आता है, पर कभी कभी जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा प्रेडिकेट पहले भी आ जाता है और ये जो सब्जेक्ट है ये बाद में भी आ जाता है. तो हम सब्जेक्ट कैसे निकालें, अब आपको ये बताया जाएगा. देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, अ लॉट ऑफ मैन एंड मैन, सॉरी, अ लॉट ऑफ वुमेन अटेंडेड द शो, बहुत सारी औरतों ने शो को अटेंड किया. तो इसमें हम सब जानते हैं ये जो अटेंड है, ये जो अटेंड है ये हमारी वर्ब है, अटेंड हमारी वर्ब है. तो अब हम सब्जेक्ट कैसे निकालें, हु अटेंडेड द शो, शो किसने अटेंड किया, अ लॉट ऑफ वुमेन ने, तो इसका मतलब अ लॉट ऑफ वुमेन आपका सब्जेक्ट है. अगर आपको आंसर मिले हु से, अगर आपने क्वेश्चन बनाया हु अटेंडेड द शो और आपको आंसर सही मिल रहा है अ लॉट ऑफ वुमेन, तो हु से हमें जो भी आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. कौन, किसने, ये दो याद रखिएगा, कौन और किसने. जैसे किसने शो अटेंड किया, वुमेन ने. कौन वहां गया था, राकेश.
तो ये जब आपको कौन से आंसर मिलता है या किससे आंसर किसने से आंसर मिलता है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। और इंग्लिश में आप सब कह सकते हैं, अगर आपको हु से आंसर मिले, हु से, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप सब्जेक्ट कैसे निकालोगे इजी तरीके से, तो आप कहोगे हम क्वेश्चन बनाएंगे हु से, हम सेंटेंस का एक क्वेश्चन बनाएंगे हु से। ओके, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे राकेश गो देयर, सो हु गो देयर, राकेश, तो हमारा राकेश सब्जेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न। एक जो सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट से ही नहीं बनता, उसमें प्रेडिकेट भी होता है, कभी कभी लास्ट में फ्रेज भी आ जाता है। जैसे प्रेडिकेट होता है वैसा ही फ्रेज होता है, पर फ्रेज अपने आप में थोड़े अलग भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, और प्रेडिकेट भी सेम होता है। तो हम कह सकते हैं प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू फ्रेज। सो प्रेडिकेट और फ्रेज दोनों इक्वल होते हैं। सो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक सेंटेंस ही होता है, एक छोटा सेंटेंस होता है, पर उससे हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। जैसे कुछ यही एग्जांपल ले लीजिए आप, लॉट ऑफ वुमेन अटेंड द शो। तो इसमें आ लॉट ऑफ वुमेन आपका हो गया सब्जेक्ट, अटेंड हो गया आपका वर्ब, और द शो आपका हो गया प्रेडिकेट, और हम कह सकते हैं द शो आपका हो गया फ्रेज। तो अ लॉट ऑफ वुमेन अटेंड, अगर ये दाशो नहीं होता, भूल जाइए दाशो भी है, मैं इसे हटा देती हूँ, भूल जाइए दाशो भी है, अगर आपका ये दाशो नहीं होता तो आपका सेंटेंस कैसे होता? अ लॉट ऑफ वुमेन अटेंड, लॉट ऑफ बहुत सारी औरतों ने अटेंड किया। क्या अटेंड किया ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर हमें ये पता ही नहीं चलेगा तो हमारा सेंटेंस तो पूरा होगा ही नहीं। तो इस वजह से एक फ्रेज होना जरूरी है एक सेंटेंस में, या एक प्रेडिकेट होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट की बात है। ऑब्जेक्ट ये आपका लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से इस पार्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उसका मीनिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। देखिए आप कह सकते हैं दोबारा यही, जो फ्रेज काम करता है वो ही काम प्रेडिकेट करता है। फ्रेज प्रेडिकेट के इक्वल है, हम कहते हैं प्रेडिकेट फ्रेज के इक्वल है, और ऑब्जेक्ट भी यही काम करता है। ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे आप फ्रेज लगाएं या आप प्रेडिकेट लगाएं या आप कुछ और लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ये तीनों सेम ही हैं। एक एक्सप्रेशन का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए वर्ब को कभी कभी ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, या फ्रेज लगा लो या प्रेडिकेट लगा लो। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक। तो अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिफर्स करता है लिविंग थिंग्स को, जीती जाती चीज़ों को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ सी आना था स्टूडेंट्स, रिफर्स करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, जो चीज़ें नहीं चल सकती या जो चीज़ें जिंदा नहीं हैं। जैसे द बेबी हग्ड इट्स मदर, तो द बेबी, हु हग्ड हिज इट्स मदर, किसने माँ को गले लगाया? बेबी ने लगाया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हु से हमने निकाल लिया। वर्ब हमारी क्या है? हग्ड है, सो इट्स मदर, इट्स मदर हमारा प्रेडिकेट भी हो सकता है, इट्स मदर हमारा फ्रेज भी हम कह सकते हैं, और इट्स मदर को हम हमारा ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये हमारी तीनों चीज़ है। तो ये अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? मदर तो जीती जाती चीज़ है, मदर लिविंग थिंग है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को रिफर करता है। एक एग्जाम्पल ये देखिए, द बॉय सिटिंग ऑन चेयर, द बॉय, हु इज सिटिंग ऑन चेयर, यहाँ पे इज आना था स्टूडेंट्स, इज रह गया है, हु इज सिटिंग ऑन चेयर, द बॉय। सो ये द बॉय आपका हो गया सब्जेक्ट, हु से हमने आंसर निकाले कौन बैठा है चेयर पे, कौन, बॉय, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सिटिंग हमारा, इज सिटिंग हमारा हो गया वर्ब, और बॉय किस पे बैठा है, चेयर पे, तो ये हमारा मान लो आप ऑब्जेक्ट। अभी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है? चेयर, चेयर आपके अपने आप चल तो नहीं सकती है, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, मैं ऐसे ही आपको नई नई वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी।